हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और सेहतमंद होंगे। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी सुबह के बज रहे हैं, मतलब कि अभी अब 8 बजेंगे, बट मैं 7 बजे ही जाग गई थी। और 7 बजे उठने के बाद मैं सुबह का जो भी गेट का ताला वगैरह खोलना है और झाड़ू लगाना, ब्रश करना, फ्रेश होना, ये सारे काम मैंने कर लिए हैं। और अभी मैं खुद के पीने के लिए लेकर आई हूँ चाय। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, मुझे लग रहा है कि करीब 1 वीक हो गया है, तो मैं क्यों ना आज वीडियो शूट करती हूँ। और मैं सोच रही थी कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ बिजी हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स क्या करूँ, ये मतलब कि बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं ना कि हम लोग बिजी हो जाते हैं, और फिर मेरा ये YT का काम जो है, इसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। क्योंकि मैं आजकल सिर्फ LV करने, मतलब LV ही करने लगी हूँ, क्योंकि थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है मेरे चैनल में, तो उसी को मैनेज करने के लिए। तो मेरा ना इधर में टाइम टेबल जो भी है वो थोड़ा सा कुछ चेंज हो चुका है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ थोड़ी सी आज की रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं आजकल क्यों बिजी हो गई हूँ, तो मैं क्या क्या करती हूँ। आप आज देखना, अगर आप आज देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं इतनी बिजी क्यों हो गई हूँ, ठीक है? तो आज आप प्लीज़ आज की जो वीडियो है वो एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि मैं इतनी बिजी क्यों रह रही हूँ आजकल, कि मुझे वीडियो ही शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो जब तक आप देखोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा गाइज, तो आपका देखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में आएगा बेल आइकन उस पर भी प्रेस कीजिएगा, और उसके बाद ऑल पे दबा दीजिएगा, ताकि मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो या फिर LV की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आज की वीडियो मेरी एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगी कि हाँ मैं आजकल क्यों इतनी बिजी हो गई हूँ, और मेरा बिजी शेड्यूल अभी कैसा चल रहा है, मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, कभी मैं चाय पी रही हूँ, तो फिर चाय पीने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स मैंने चाय पी ली है और अभी आधी सोया हुआ है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी वो सोया हुआ है, मैंने इसीलिए उस रूम में आवाज़ नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी 3 दिनों से, तो मौसम बहुत ठंडा जैसा है, तो जिसकी वजह से वो फ़ैन को पूरा फुल कर देता है और चादर ओढ़ के सोता है। तो अभी सो रहा है, तो यहाँ पे मैं बेडशीट उसकी चेंज कर रही हूँ, देख लीजिए मैंने बेडशीट चेंज कर दिया है। और जो पिलो में है, जो पिलो है उसमें मैं अभी कवर लगा रही हूँ। और ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने धुलाई किए थे, तो इन सबको मुझे अभी फोल्ड करना है, तो मैं अभी ये सब कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए उसका बेड, मैंने ये बेडशीट चेंज कर दी है, क्योंकि उसकी बेडशीट जो है गंदी, मतलब ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी, बट फिर भी मैं ना 2-4 दिन के बाद बेडशीट चेंज कर ही देती हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा बेडशीट अगर अच्छा होता है तो पूरे रूम का जो लुक होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं अब पिलो कवर पहले लगा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए मैंने आधी की बेडशीट चेंज कर दी, और ये देखिए मैंने पिलो कवर वगैरह सारा चेंज कर लिया है, और ये देखिए, और ये उसका बेड कितना अच्छा लग रहा है अब। तो होता क्या है ना कि अगर बेडशीट हम लोग चेंज कर देते हैं ना, तो पूरे रूम का लुक ही चेंज हो जाता है। ये देखिए मैंने चेंज कर दिया है, आपने देखा। और अब मैं चलती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, तो ब्रेकफास्ट में देखती हूँ मैं क्या बना देती हूँ। और अभी अब हो गया है 8:30, मैं अभी आपको बैक कैमरा करके टाइम दिखा देती हूँ। 8:30 हो चुके हैं और आज थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, मौसम अच्छा हो रखा है।
दिनों से तो यहाँ पे धूप के दर्शन भी नहीं थे, इतनी बारिश, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम, वाईफाई में प्रॉब्लम, हर चीज़ में प्रॉब्लम हो गई थी। बट आज तो मौसम लग रहा है कि खुलेगा, क्योंकि मौसम आज कुछ खुला खुला दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो अभी अब आदि जो है वो जा गया है, वो अभी फ्रेश हो रहा है। और ये देखिए, मैंने अपने बेडरूम का बेड भी ठीक कर लिया है, और अभी वो फ्रेश होके फिर पढ़ने बैठ जाएगा। और ये देखिए, उसने यहाँ पे अपना लैपटॉप स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि जब तक ये लैपटॉप स्टार्ट होता है तब तक वो अपना फ्रेश वगैरह होकर और फिर यहाँ पे आके बैठ जाता है। तो चलिए मैं भी अब ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। मैंने नाश्ते में बनाया है पराठा और आलू की भुजिया। तो अभी मैंने आदि को दे दिया है नाश्ता करने के लिए। ये देखिए, आदि भी नाश्ता कर रहा है, और अभी अभी ये पढ़ाई करके उठा है। तो पढ़ाई के दौरान ही मैंने इसे पूछा था कि ये क्या खाएगा, तो इसने कहा था कि आज इसे घी के पराठे और आलू की भुजिया खानी है। तो मैंने वही ब्रेकफास्ट में बना दिया है। और अभी अब मुझे नहाना है, तो चले चलती हूँ। नहाने के बाद ही मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी नहाकर आ गई हूँ, और मेरा नाश्ता वगैरह सारा कुछ हो गया है। और ये देखिए, आदि की छुट्टी हो गई है, और ये अपने ये अपने दूसरे वाले मोबाइल से गेम खेल रहा है। और जो लैपटॉप है वो डिस्चार्ज हो चुका है, तो उसे मैंने अभी चार्ज में लगाया हुआ है, मतलब कि गर्म हो चुका है, वरना अभी मैं अपने काम पर लग जाती, क्योंकि मेरे काम का टाइम हो गया है। और अभी अभी और अभी अभी सब्जी वाले भैया आए थे, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कभी लॉकडाउन है तो मतलब कि कहीं भी मार्केट वगैरह नहीं लग रहा है, तो बस एक सब्जी वाले आते हैं और वही मतलब कि फ्रूट्स वगैरह भी लिए रहते हैं, तो मैं उन्हीं से ख़रीद लेती हूँ। तो अभी अभी मैंने लिया है। तो ये देखिए, इन सबको अभी मुझे वॉश करना है, उसके बाद ही मैं फ्रिज में डालूंगी। तो अभी मैं वॉश नहीं करती हूँ, अभी मैं सिर्फ उस पर सैनिटाइज़र का स्प्रे मार देती हूँ और उसे छोड़ देती हूँ, और उसके बाद ही मैं मतलब कि सब्जी को धोती हूँ और उसे ड्राई होने के बाद फ्रिज में स्टोर करती हूँ। और अभी तो मतलब कि आज तो थोड़ा सा मौसम यहाँ पे ठीक हुआ है, नहीं तो 3 दिनों से तो इतनी बारिश थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और चलिए मैं देखती हूँ कि और मैं क्या क्या करती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अब मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि आपको मैं बताने वाली हूँ कि आजकल मैं क्यों इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ कि मैं कोई वीडियो ही नहीं शूट कर पा रही हूँ, और ना ही कोई मेरे ब्लॉग आ रहे हैं। तो इसे और मैं ना हमेशा सोचती हूँ कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, और फिर मैं बार बार भूल जाती हूँ। तो आज मैं स्पेशल इसी के लिए मैंने आज वीडियो बनाया है, आप लोगों को बताने के लिए ही। तो जब तक मेरा काम आप लोग देखोगे नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा कि हाँ मैं कितनी बिजी रहती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मेरा काम। रेडी हो गई हूँ, क्योंकि अब मेरे सारे घर के काम ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं अभी अब अपने काम पे लग जाती हूँ, और आप लोग को पता ही होगा कि मेरा कौन सा काम है, वही मेरा वाईटी का जो काम है। तो अभी बस अब मैं वाईटी का काम कर लेती हूँ, और अब फिर जब मैं इससे फ्री होंगी तो फिर मैं क्या करूँगी वो भी आप लोग देखिएगा। तो चलिए पहले अब मैं अपना काम कर लूँ। अभी हो गई है शाम, और मैंने अपना काम कर लिया है, जो भी मेरा वाईटी का काम था। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे फेस से ही आपको दिख रहा होगा कि मैं कितनी थकी थकी दिख रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, आदि कर रहा है अपनी पढ़ाई, उसने अपने बुक्स वगैरह यहाँ पे खोल के रखे हैं, अभी वो पानी पीने के लिए गया है। और अभी अब मैं चलती हूँ डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में मैं क्या बनाती हूँ आप लोग को देखती हूँ, अगर वीडियो शूट कर सकूँ तो दिखा दूँगी, वरना डिनर करते वक्त मैं ज़रूर वीडियो शूट करूँगी। तो चलिए चलते हैं डिनर बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, मैंने डिनर बना लिया है, और डिनर में मैंने बनाया है ये देखिए
चने की सब्जी और रोटियां, और यहाँ पे आदि को मैंने दे दिया है खाने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए टीवी चल रही है, और मैं भी बस अब डिनर कर ही लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि आगे ना और भी बहुत ज़्यादा काम है, तो हो सकता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए और आप लोग बोर हो जाए। बस मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आजकल मैं YT में बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी हूँ, क्योंकि मुझे ना LB भी करनी पड़ती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर मुझे दूसरे की LB को ज्वाइन करना होता है। इन सब चीज़ों की वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं ब्लॉग बनाऊं या फिर वीडियो शूट करूं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों को ये बात बता देती हूं, और फिर उसके बाद जो होगा वो तो आप लोग देखेंगे ही। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली अपनी वीडियो डालूं। तो फ्रेंड्स, बस ये मेरा एक छोटा सा अपडेट था, आप लोगों को शेयर करना था मुझे। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ फ्रेंड्स, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे बारे में पता चल गया होगा कि क्यों आजकल मैं बिजी हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।